नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूँ राशिका बजाज। पाकुड़ रथ मेला मैदान से पैदल मार्च करेंगे गांधी चौक तक पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और नुक्कड़ सभा में शिरकत करेंगे। भीषण गर्मी में जनजीवन त्रस्त और विद्युत आपूर्ति की स्थिति बहुत बुरी है। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है तथा विकास ठप है। और झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुंभकर्णी निंद्रा में सोई है। प्रदर्शन में अनियमित विद्युत आपूर्ति एवं पेयजल की घोर संकट सहित पाकुड़ शहर की जन समस्याओं के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी हल्ला बोल करेगी। जब तक इस राज्य से जो लुटेरी सरकार है इसको हम लोग हटा नहीं लेते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि राज्य में आप लूट मची हुई है, चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे लोहा हो या जमीन हो, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और इस लूट में अगर कोई दूसरा लूटता तो हम सब लोग समझते कि चलो भाई सरकार उसको ठीक करे, लेकिन सत्ता में बैठे हो यहाँ शिबू सोरेन के जो परिवार है, हेमंत सोरेन के जो परिवार है, अगर यही लोग पूरे राज्य को लूटने में लगे हो तब फिर कहाँ आप दरखास्त करेंगे, किससे आप शिकायत करेंगे। और इसीलिए आप एक ही रास्ता बचा हुआ है कि आप इस राज्य से इस सरकार को उखाड़ दें। इसी अभियान में हम सब लोग आप कि उनके भाई को, उनके परिवार के लोगों को पार्टनर बना लीजिए। और यहाँ तो हम आए तो हमें बड़ी आश्चर्य लगा, पंचायत के कुछ मुखिया लोग मिल रहे थे, बता रहे थे तो मनरेगा का भी काम मंत्री ही लिखते हैं, वही तय करते हैं काम कैसे होगा, काम कहाँ होगा, काम किसको मिलेगी। अब जरा सोचिए भाई, ग्रामीण विकास मंत्री है कि मनरेगा की मंत्री है, समझ में नहीं आता। ये हालत है इस राज्य की हो गई है। और शिबू सोरेन परिवार की तो मैं कहता हूं कि वो व्यक्ति कानून कायदे से चलते नहीं है। आपने देखा होगा पिछले दिनों किस प्रकार से खदानों की लीज अपने नाम से किया, औद्योगिक क्षेत्र में जमीन की लीज अपने पत्नी के नाम से किया, और उनके जो प्रेस सलाहकार है उनके नाम से भी खदान की लीज, उनके विधायक के लिए उनके नाम से भी खदान की लीज, उनके पत्नी है उनके नाम से भी खदान की लीज। मैं तो लोगों से कहता हूं कि संथाल परगने की धरती में जहां से शिबू सोरेन के परिवार को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है, यहां के आदिवासियों ने उनके पीछे पीछे जाकर के कितना आंदोलन किया, कितना संघर्ष किया, लेकिन पाकुड़ से लेकर के साहेबगंज तक या पूरे संथाल परगना में कोई भी व्यक्ति बता दे एक भी खदान के लीज यहाँ के किसी आदिवासी को मिला हो, किसी संथाल को मिला हो, किसी पहाड़िया को मिला हो, किसी को नहीं मिला। कोई भी हमको बता दे कि हाँ साहब हमको मिला है, लेकिन नहीं मिला, कहीं खोजने के बाद भी नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने खदानों के लीज किसको दिया, अपने चहेतों को दिया, अपने बुजुर्गों को दिया, अपने परिवार के लोगों के नाम से किया, तो झारखंड का कैसे विकास होगा, इस राज्य की प्रगति कैसे होगी, यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। जब अपने परिवार से ही कुछ बचता नहीं है तो दूसरों को ये कैसे मिल सकता है। और जमीन अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।